हो, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऐसी कामना हम आपके लिए करते हैं। दोस्तों, पिछली बार वीडियो में जो कमेंट दिए थे उसमें टाइम की प्रॉब्लम की वजह से पूरे कमेंट के जवाब हम नहीं दे सके। तो दोस्तों, जो रह गए थे उन कमेंटों के जवाब अब आपको हम फिर दे रहे हैं। पहला कमेंट फरमान जी का है। फरमान जी कहते हैं, सर मेरी किस्त 5300 रुपये की थी। तो फरमान जी, आपकी किस्त 5300 रुपये की हाफ ईयरली है। तो मेरे दोस्त, आपके अगर 2500 होते तो ये पेमेंट आपका अभी हो जाता, लेकिन आपकी किस्त 5300 रुपये की है, तो आपको थोड़ा सा वक्त इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्च का महीना ख़त्म होते ही कोई दूसरा जो पैसे देने का प्रोग्राम चालू होगा तभी हम आपको बताएंगे। तो घनश्याम जी, फरमान जी, आप निश्चित रहें, आपका पैसा बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और रंजन चौरसिया जी कहते हैं, मैं पल्स का एजेंट हूँ और अन्ना हजारे जी के धरने प्रदर्शन में जाना चाहता हूँ, पर मेरा कोई भी सीनियर मेरी यह इच्छा सुनकर हंसता है और कहते हैं, रंजन जी आप अपने घर जाइए, ज़्यादा जज्बाती होने से कुछ नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँ? तो रंजन जी, ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है। अब जो अन्ना जी के धरने पर प्रदर्शन पल्स वालों का जन सैलाब नहीं उमड़ रहा, इसकी वजह यही है कि सारे सीनियर बिल्कुल निकम्मे और बेकार हो गए हैं। कुछ सीनियर तो अपने आप को अंडरग्राउंड भी कर चुके हैं। कोई कोई अपना दुकान छोड़कर, कोई अपना मकान छोड़कर कहीं का कहीं चला गया। दोस्तों, अगर उनसे फ़ोन पर भी कोई बात करता है, कोई एजेंट, तो उनका फ़ोन भी नहीं उठाते। यही वजह है जो अन्ना हजारे जी के प्रदर्शन पर कोई भी अपनी भीड़ लेकर आज अभी तक कोई यूनिट वहाँ पर नहीं पहुँची। और यही वजह है कि पल्स वाले जितने निकम्मे सीनियर हो गए हैं, इसीलिए उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। और ये एक अच्छा मौका था मेरे दोस्तों, अगर अन्ना हजारे जी की धरने प्रदर्शन पर ये यूनिट वाले अगर चले जाते, तो दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूँ कि रामलीला मैदान में तिल रखने की भी जगह नहीं रहती और आपका काम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। पर दोस्तों, क्या किया जाए, ये हमारा दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य को हम अपसेट करते हैं। खैर, आगे क्या होगा ये आपको हम बता देंगे, लेकिन दोस्तों हमारा भी एक मंथन है। हम यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अन्ना जी के धरने प्रदर्शन पर पल्स वाले चले जाते। ये एक ऐसी स्टेज थी जिस पर हमारा काम शॉर्टकट में होने का पूरा पूरा चांस था, लेकिन दोस्तों क्या करें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पा रहे। अब जो भी होगा ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। फिलहाल जितने भी वहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं वो कुछ कम संख्या में भले ही हैं, लेकिन उनकी बात चैनल वाले भी सुन रहे हैं और जो वहाँ नेतागण उनसे अन्ना जी से मिलने आ रहे हैं उनसे भी उनकी बात को शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे ज़्यादा कुछ ना कहकर इतना कहेंगे कि हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारा यह धरना प्रदर्शन सफल हो जाए, बस यही हमारी एक उम्मीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने चैनल की। तो हमारा चैनल आपको हमेशा एक अच्छी न्यूज़ देता रहता है, लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, सुनते ज़्यादा हैं, और सुनने के साथ साथ वो बस अपने तक ही सीमित रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा ये हिस्ट्री न्यूज़ चैनल का जो एक दोस्ती का क्लब है ये बड़ा बन जाए और आपका और हमारा समाधान इसी में ही होता रहे। तो दोस्तों,
हम आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप हमारे घंटी के बटन को दबाकर हमारी ध्वनि को उजागर करें। तो दोस्तों, शेयर करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को शेयर भी दोस्तों में करें। दोस्तों, जितनी जानकारी आप एक दूसरे को देंगे उससे आपका भी फ़ायदा है और हमारे भी फ़ायदा है। तो दोस्तों, आप हमें इस वक्त सुन रहे हैं, ये रात का वक्त है, और इस रात के वक्त में मैं आपका जवाबों का कमेंटों का जवाब देने बैठा हूँ। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एक बार फिर आपसे मैं यही कामना करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों, हमें सुनना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।